हमारे साथ बने हुए हैं इस विद्यालय के मुख्य अध्यापिका बतौर प्रिंसिपल, ये यहाँ पे सेवा निभा रहे हैं। आज इनसे ही बातचीत करके जानते हैं कौन कौन सी मुख्य विशेषताओं को लेकर बैठे हैं हमारे होशियारपुर के अंदर, और क्या अलग लेकर आए हैं होशियारपुर के परिजनों के लिए, जो कि एक यूनिक चीज़ की शुरुआत और यूनिक चीज़ की खोज करना चाहते हैं होशियारपुर के अभिभावक। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं सभी का कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल आदमवाल में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ यहाँ की प्रिंसिपल उषा परमार। मैंने इसी सेशन में यहाँ पे ज्वाइन किया है और मेरा पिछला करीब 24 साल का एजुकेशन फील्ड का एक्सपीरियंस है, जहाँ मैंने CBSE सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर प्रिंसिपल काम किया है। जलंधर के ऑलमोस्ट टॉप स्कूल्स के साथ मेरी लिंक्स रहे हैं, जहाँ मैंने उनके साथ काम किया है। जहाँ तक कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल आदमवाल का सवाल है, इसकी विशेषताओं की आपने बात की, तो जो चीज़ मुझे इसकी तरफ आकर्षित सबसे ज़्यादा की है वो है यहाँ का लैंडस्केप और इसकी लोकेशन। ये स्कूल शिवालिक हिल्स के फुट हिल्स पे लोकेटेड है, जिससे बच्चों को एक बहुत ही हेल्दी एंड पॉल्यूशन फ्री एटमोसफेयर मिलता है। इसके बाद हमारे स्कूल में स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, जो किसी भी टॉप स्कूल्स में प्रोवाइडेड होती हैं। हमारे पास एक वेल बैलेंस्ड एकेडमिक करिकुलम है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसके अलावा हमारे पास एक लिस्ट ऑफ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस लेवल पे पूरा ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा इन सभी फैसिलिटीज़ के साथ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ एन अफोर्डेबल फ़ी स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव विथ अस फॉर द पीपल ऑफ होशियारपुर। मैम, जिस तरह से आपने बोला कि पीपल ऑफ होशियारपुर के लिए, यहाँ जो होशियारपुर को मिनी काशी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ के अभिभावक जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ यूनिक चीज़ की शुरुआत करते हैं, जिसके लिए वो विद्यालयों का सिलेक्शन करते हैं, तो क्या अलग, क्या यूनिक विद्यालय के अंदर है जो आप अभिभावकों को देंगे? एक तो है कि हमारा पूरा फोकस है कि बच्चों को सिर्फ एक हम बुक लैंग्वेज नहीं, बुक नॉलेज नहीं देंगे, सिर्फ एक किताबी शिक्षा नहीं उनको हम प्रदान करेंगे। वी वॉन्ट टू टीच देम बाय डूइंग, बाय लर्निंग एंड अप्लाइंग देयर नॉलेज। सो ईच एंड एवरी क्लासरूम्स जो हैं हमारे स्मार्ट क्लास टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हैं, जहाँ पे प्रॉपर स्मार्ट क्लास मॉड्यूल्स हैं। सो वॉट एवर द चाइल्ड इज़ डूइंग इन द क्लास, इन द चैप्टर, वो सारी चीज़ें स्मार्ट क्लास टेक्नोलॉजी पे रन करती हैं। सो ये एक इसी तरह हो जाता है जैसे एक फिल्म की कहानी हम सुनते हैं और एक फिल्म हम देखते हैं। तो जब भी हम स्मार्ट क्लास टेक्नोलॉजी या हम देख के बच्चे सीखते हैं, तो उसकी एक तो कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है, और दूसरा होता है कि वो बच्चों की रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, वो बच्चे उसको ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाते हैं। फिर हमारा जो क्लासेस हैं, बहुत ही कंफर्टेबल एटमोसफियर हम प्रोवाइड करते हैं, और सारे क्लासरूम्स एयर कंडीशनड हैं, जिससे कि बच्चे का ध्यान पूरा और पूरा पढ़ाई पर ही सिर्फ रहे। मैम, जैसा कि आपने बतलाया कि विद्या के क्षेत्र में तो आप एक उत्कृष्ट कार्य कर ही रहे हैं, परंतु क्या उन विद्यार्थियों को विद्या के साथ साथ खेल की दुनिया में अग्रसर होने के लिए, प्रेरित होने के लिए भी कोई कार्य किया जा रहा है? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। खेलना कूदना तो बच्चों की फितरत होती है, इसी से उनकी पूरी, मैं बोलूँ, फिजिकल डेवलपमेंट होती है। सो हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने खेलने कूदने का बच्चों का पूरा ध्यान रखा। वी हैव अ गुड लैविश प्लेग्राउंड्स जो प्रॉपर वेल प्लांटेड हैं, एंड हमने बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कराटे, ताइक्वांडो, ऐसे कई खेलों का हमारे पास हर चीज़ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है। वी हैव एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड कोचेस, जहाँ बच्चे को प्रॉपर कराटे और ताइक्वांडो वगैरह भी सिखाते हैं। और इन सब के अलावा हमारे पास स्विमिंग पूल भी है, स्विमिंग पूल जहाँ पे बच्चे समर्स में इंजॉय भी करते हैं और साथ में स्विमिंग भी सीखते हैं। जैसा कि देखने में आ रहा है कि आपके विद्यालय के अंदर प्री विंग के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या मुख्य विशेषताओं के साथ आप प्री विंग के विद्यार्थियों को विद्या के क्षेत्र के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं? क्योंकि देखा जाता है कि ये वो नर्सरी है जहां से बच्चे की वो मानसिकता, वो सोच की शुरुआत होती है जो उसे बड़े बड़े स्तर पर और बड़े बड़े कुर्सियों पर बिठाती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। प्री विंग तो मैं कहूँगी कि हमारी फाउंडेशन है, जैसी फाउंडेशन होगी वैसी आगे बिल्डिंग होगी। तो प्रीविंग के लिए हमने बहुत ही ब्यूटीफुल एक जो उनका प्रीविंग सेक्शन है, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। इट्स जस्ट लाइक अ डॉल हाउस, जहाँ की पूरी दीवारें कार्टून कैरेक्टर्स और बच्चों से रिलेटेड जो भी कैरेक्टर्स हैं उनसे पूरी डेकोरेटेड है। पूरा
एजुकेशनल टॉयज़ डिस्प्लेड है वहाँ पे, स्विंग्स हैं छोटे छोटे बच्चों के, स्लाइड्स हैं, पूरा एवी सिस्टम है, एलईडी चलता है जिस पे बच्चे अपने सॉन्ग्स वगैरह सिंग करते हैं। एंड उसके अलावा उन बच्चों की 24 आवर्स हमारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड हैं जो बच्चों की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड गेट पे होता है जहाँ हर आने वाले जाने वाले की रिकॉर्ड पूरा मेंटेन होता है। इसके अलावा हमने डीलक्स बसेस का फ्लीट है हमारे पास जो बच्चों को नॉट ओनली फ्रॉम होशियारपुर सिटी बट आसपास के विलेजेस से भी बच्चों को लेके आती है। ये प्रॉपर डीलक्स बसेस हैं जिनमें सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं एंड जीपीएस सिस्टम है। तो सारा कुछ ही पूरा आई वुड से ए ग्रेड की हर फैसिलिटी हमने होशियारपुर के लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश की है। सो फाइनली आई वुड लाइक टू अपील टू द पीपल ऑफ होशियारपुर दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्कूल दैट हैज़ अ वेल बैलेंस्ड अकेडमिक करिकुलम, वेल डिफाइंड इनोवेटिव एंड क्रिएटिव को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एट द सेम टाइम अ वेरी अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर, देन आई थिंक योर सर्च एंड्स हियर एट कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल आदमवाल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, एडमिशन ये सारी चीज़ें तो बाद की बात है, पर यू शुड डेफिनेटली कम एंड विजिट द स्कूल। थैंक यू।